विराट कोहली के ऊपर, बहुत सारा मैं क्रिटिसिज्म सुन रहा हूँ विराट कोहली के ऊपर, और मैं आज के दिनों में था तो मेरे टीवी के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन थी नहीं, ज़्यादा मैं सोशल मीडिया देख नहीं रहा था और ना ही मुझे खबर थी कि क्या हो रहा बाहर की दुनिया में। जो वापस आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि उन पर एक क्रिटिसिज्म का पहाड़ टूट पड़ा है और ये कहा जा रहा है उनको ड्रॉप कर दिया जाए। अब विराट कोहली ख़त्म हो चुके हैं, ये बात ठीक है, विराट कोहली के करियर में अब रहा कुछ नहीं, ये बात भी ठीक है, और मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बात भी ठीक है, ऐसा मुझे लोग कहते हैं। मैंने उनसे ये बात की, मैंने बात सुनो, ये विराट कोहली दुनिया का ग्रेटेस्ट प्लेयर है फॉर लास्ट 10 ईयर्स, में अगर कोई ग्रेटेस्ट प्लेयर को मर चुका है वो विराट कोहली है, और एक आधा साल उसका बुरा गुजरा है, उस साल में भी उसने काफी रन किए हुए हैं, 100 नहीं किए लेकिन उसने रन काफी किए हुए हैं। एकदम उसके खिलाफ हो जाना, एकदम उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर देना, एकदम उसको ये कह देना, इतने बड़े प्लेयर को, इतने बेहतरीन इंसान और इतना अच्छा प्लेयर और इतना बड़ा प्लेयर और ग्रेट प्लेयर एंड और इतना नफीस इंसान को, उसको आप पकड़ के जलील करना शुरू कर रहे हैं मीडिया पे। मुझे समझ नहीं आ रही किस तरह आपने सोच लिया कि आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट मैच जीतना बड़ा जरूरी है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना। ओह, दोनों मैचों में अनफॉर्चुनेटली विजिटिंग साइड्स दे आर ऑन द टॉप, और यही कहानी है यहाँ पे। इंग्लैंड गेम में आ गया है और वहाँ न्यूजीलैंड बल्कि काफी ज्यादा आ गया है। न्यूजीलैंड दे हैव टेकन मैसिव लीड और 103 रन ओवरऑल उनकी लीड 150 क्रॉस कर चुकी है। एक ही खिलाड़ी आउट है अभी, और सैटनर 7 खिलाड़ी आउट किए हैं भाई, कमाल कर दिया। जिंदगी में पहली बार 4th विकेट ली टेस्ट की एक इनिंग्स में, फिर 5वीं विकेट ली, फिर 6ठी और 7वीं। इसी तरफ हमारे हमसाये भी बड़े मुश्किलात के शिकार हैं, तो वो खुशी क्यों होती है आपको मुश्किलात का जिक्र करते हुए? नहीं, खुशी तो नहीं होती, लेकिन देखें बड़ा खुश हो गया आपका चेहरा बता रहा होता है, पर कहते हैं अफसोस इस बात का होता है कि वो कुछ ना प्यार, शायद मुझे लगता है कि इंडिया ने बुरा मना लिया कि लोग उसको कहते हैं यार ये घर में बुला के मारते हैं, तो उन्होंने कहा यार इस मरतबा हम भी घर में हार जाते हैं, हमारे हमसाये तो हारे हैं और बड़े अरसे से हार रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिया भी हमारे नक्शे कदम पे स्टार्ट हो गया। तासरात देखें पाकिस्तान की बात बताएंगे, पाकिस्तान 42 रन पीछे है, रिजवान स्कोर नहीं कर पाए, पड़ोसी हमारे भी हार रहे हैं, एकदम ना ऐसे मतलब खुशी चेहरे पे आती है। क्रिकेट तो मतलब देखे ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अभी भी नंबर 1 है वो। पाकिस्तान का बुरा हाल है, उस टीवी में देखो भारत का बुरा हाल है, कहने को कहा जाता है कि जो घोड़े होते हैं वो स्पिनर्स को खेल नहीं सकते, बिल्कुल स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, लेकिन कोई ये भी तो बताए घोड़ों के पास भी स्पिनर्स हैं जो हमारे एशियन बल्लेबाज नहीं खेल सकते। यहाँ पे 7 आउट हो गए पाकिस्तान के 177 के ऊपर, वहां पे इंडिया पूरी की पूरी 156 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। रीजन, इंग्लिश स्पिनर्स और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स। एक तरफ न्यूजीलैंड के स्पिनर्स मिचेल सैटनर ने 7 विकेट्स ले ली, दूसरी तरफ रेहान अहमद, जैक ली, शुएब बशीर पाकिस्तान को पड़े हुए हैं। ये हो तो हो क्या रहा है? हमने तो सुना था बचपन से एक ही चीज कि घोड़े स्पिन को नहीं खेल सकते, भला कोई ये तो बताए कि घोड़ों के पास अच्छे स्पिनर्स भी हैं जो हमारे एशियन बल्लेबाज नहीं खेल सकते। पुणे से लेके पिंडी तक बड़ी नाजुक सूरत हाल है भाई साहब, एक ही किश्ती में सवार है दोनों कजन्स, इंडिया पाकिस्तान, और सामने भी दोनों कजन्स है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। इंग्लैंड वाले कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अजीब से ख्यालात आ रहे हैं, अजीब से जज्बात आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये? टॉस इतना इंपॉर्टेंट था, ये तो हमें पता था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडिया ऑल आउट हो चुका है, नाजुक सूरत हाल है। ठीक है, विकेट में मुश्किलात हैं, लेकिन अब ऐसी भी मुश्किलात नहीं है कि हम फुल टॉसों पर आउट होना शुरू हो जाए, मतलब कमाल ही हो गया ना। अपने अपने घर पर भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? 2.5-3.5 घंटे में 2 स्प्लिट स्क्रीन पे दोनों टेस्ट मैचेस देखने के बाद अजीब डिप्रेशन से हालात हो गए। पहले तो सिर्फ अपनी टीम डिप्रेशन देती थी, अब तो पड़ोस की टीम भी डिप्रेशन दे रही है, क्या हो रहा है ये? हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल ब्रदर्स टू रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज वो बॉलीवुड का एक गाना था ना, क्या से क्या हो गया, वो गाना बहुत याद आ रहा था भारत के खेल देखने के बाद। मतलब जो पिच भारत के स्पिनरों के लिए बनाया गया था उसका फायदा न्यूजीलैंड उठा रहा है। अब जरा सोच के देखो दोस्तों, मिचेल सैंटनर जो कि आज तक टेस्ट क्रिकेट में 3 से ज्यादा विकेट कभी ले ही नहीं पाया, वो भारत में आकर 6 विकेट अपने नाम कर लिया। कहा जाता है टेस्ट मैच में सीनियर प्लेयर्स जितने भी होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होती है ताकि जूनियर्स भी अच्छा खेले, लेकिन इस मैच में थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। सीनियर्स 0 बनाकर आउट हो रहे हैं और जूनियर्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो जूनियर्स उठा रहा है। मुझे पता नहीं क्या हो गया भारत को और क्या होना था, क्या हो गया भारत के लिए। इस मैच में जीतना अभी बहुत मुश्किल है दोस्तों, बहुत मुश्किल, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड जितना भी रन जोड़ेगा वो भारत के लिए बहुत दिक्कत की बात होने वाला है। विराट कोहली क्या फुल टच बॉल में बोल्ड हो गया है, फुल टच बॉल में बोल्ड, और रोहित शर्मा 0।
जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी चाहिए थी। और दोस्तों दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के बैट्समैन डेविड कॉनवे ने क्या बैटिंग की है, अब देखो कैसे खेला जाता है इंडियन पिचेस पर, वो हमें बाहर के बल्लेबाज दिखा रहा है, हमारी खुद की बल्लेबाज फ्लॉप। देखिए दोस्तों तीन मैचेस इंडिया को जीतने थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने के लिए, जस्ट तीन मैचेस इंडिया को जीतने थे। एक तो इंडिया हार चुका था, पहला जो पहला मैच हुआ था न्यूजीलैंड के साथ वो इंडिया हार चुका था, और दूसरा मैच जो ये हो रहा है इस पर भी अभी शायद इंडिया हार जाएगा और ये सीरीज भी गंवा देगा। और ये जो तीन मैचेस की जितने हैं इंडिया को दोस्तों, जो तीन मैच जितने हैं, अगले पांच मैचेस ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। तो आपको क्या लगता है, भारत जीत सकता है तीन मैच? कहने के लिए ज्यादा लफ्ज तो मेरे पास नहीं है, और जो सिनेरियो अभी बना है इसमें भारत का जीतना बहुत टफ है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही खेलना पड़ेगा भारत को, तब भारत शायद जीत सकता है। खैर आज हम इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन देखने वाले हैं। देखिए इस वीडियो को, वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, देखिए वीडियो को एंजॉय कीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी वीडियो के आखिर में। इसी तरफ हमारे हमसाये भी बड़े मुश्किलात के शिकार हैं, तो वो खुशी क्यों होती है आपको मुश्किलात का जिक्र करते हुए? नहीं खुशी तो नहीं होती, लेकिन देखें बड़ा खुश हो गया आपका चेहरा बता रहा होता है, पर कहते हैं इस बात का होता है कि वो कुछ ना शायद मुझे लगता है कि इंडिया ने बुरा मना लिया कि लोग उसको कहते हैं यार ये घर में बुला के मारते हैं, तो उन्होंने कहा यार इस मरतबा हम भी घर में हार जाते हैं, हमारे हमसाये तो हारे ही हैं और बड़े अरसे से हार रहे हैं, तो मुझे लगता है इंडिया भी हमारे नक्शे कदम पे स्टार्ट हो गया। तासुरात देखें पाकिस्तान की बात बताएंगे, पाकिस्तान 42 रन पीछे, रिजवान स्कोर नहीं कर पाए, पड़ोसी हमारे भी हार रहे हैं, एकदम ना ऐसे होता खुशी चेहरे पे आती है। क्रिकेट तो मतलब देखें ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर अभी भी नंबर वन है वो, इसमें कोई शक पाकिस्तान नंबर नाइन पर शक नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और वो अच्छी क्रिकेट खेलते आए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह अभी 204 रन की लीड है न्यूजीलैंड को, तो ये बहुत ज्यादा रन हो जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। पुणे में मैच हो रहा है और विकेट जो है वो किस तरह की होती है पिच, क्योंकि आपने डेफिनेटली विजिट तो किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो होगा। पुणे जिस तरह पहला मैच हुआ ना, हाँ। उसमें तो इनको ओवरकास्ट कंडीशन इनके फेवर में आई न्यूजीलैंड के। अब पुणे की जो पिच है उसमें इन्होंने बनाया तो स्पिन ट्रैक भी और मिला जुला बनाया, लेकिन बैटिंग में उनको समझ लग गई न्यूजीलैंड के। अच्छा इस चीज का एक फायदा बड़ा होता है कि आपके जो मुख्तलिफ प्लेयर्स आके लीग्स खेल के जाते हैं ना, हाँ, उनको कंडीशंस का बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाता है। बाहर आपके जो प्लेयर्स जो T20 खेलते हैं, जो नहीं भी खेलते, मतलब जो टेस्ट नहीं भी खेलते, वो कम से कम बताते तो होंगे ना कंडीशंस ऐसी हैं, ऐसे ये होता है, ये होती है पिच की कंडीशन। तो मेरे ख्याल में पुणे की जो विकेट है वो बैटिंग सपोर्टेड विकेट है और थोड़ी सी जो है वो स्पिनर्स के हाथ में, लेकिन देखें ये एशियन कंडीशंस ही ऐसी हैं, इसमें फास्ट बॉलर जो हैं वो आपको हमेशा से ही मरते दिखाई दिए, अनटिल अनलेस आप जो है वो उसको फुल लेंथ बॉल ना करें, यॉर्कर ना करें, या बहुत अच्छा जो है वो आप बाउंसर कर दें तो उस पर जो है वो आउट हो जाए। लेकिन हमेशा से शुएब अख्तर देख रहे हैं, हमारी जो डेड पिचेस होती थी उसमें वो यॉर्कर करते थे, तो यॉर्कर से ही उनकी स्पीड थी, उनका यॉर्कर खेलना भी मुश्किल था, स्विंग होता था। वसीम वकार को देख लें, वो भी अपने स्विंग से आउट करते थे, तो हमारे स्पिनर्स हाँ। ज्यादातर डोमिनेट करते हैं, चाहे वो दानिश कनेरिया थे, चाहे वो यासिर शाह थे, सकलैन मुश्ताक थे, उसके बाद आप दूसरे देख लें, शाहिद अफरीदी देख लें, तो सईद अजमल देख लें, ये वो लोग थे जो हमारी कंडीशंस का फायदा उठाना जानते हैं। हमारे मुख्तलिफ हमारे जो अवे टूर होते हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज या अपना आप न्यूजीलैंड लगा लें, वो बड़े रेयर होते हैं, साल में एक मरतबा, दो साल में एक मरतबा, तो ज्यादातर हम लोगों ने खेलना होता है इस खत्ते में, तो इस कंडीशंस में, इस खत्ते की कंडीशन सबको पता है, बांग्लादेश को भी पता है, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है, और जो बाकी जो UAE वाले जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी पता लग गई है कंडीशंस का, लेकिन ये लोग ज्यादा पुराना चुके खेल रहे हैं और इनको UAE में भी खेलने का बहुत ज्यादा तजर्बा है, तो दोनों टीमों को, मतलब उन्होंने भी IPL वहां पे करवाया हुआ था, इन्होंने PSL यहां पे अपनी होम सीरीज यहां पे करवाते रहे हैं UAE में, तो कंडीशंस का अंदाजा जो है वो दोनों टीमों को बखूबी से है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब जो गोरे हैं वो भी इस कंडीशंस को जानने लग गए हैं, उनको भी पता लग गया है कि भाईजान ये जो है ना इस तरह करते हैं, ये स्पिनर्स के ऊपर हमें जो है ना काबू करने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने भी शायद उसकी ही प्रैक्टिस की है, जिस तरह वो है इंग्लैंड वाले तो नहीं अभी खड़े हुए पाकिस्तानी स्पिनर्स के आगे, लेकिन वहां पर जो है वो आप देखें वाशिंगटन ने जो विकेट्स ली वो 7 विकेट वो ले गया ने, और यहाँ पर जो है वो आप देखें मिचेल सैंटन ने जिस तरह से 7 विकेट्स निकाली आज। तो मैं यही मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको भी समझ लग चुकी है कि कहाँ पे बॉलिंग करनी, क्या कंडीशंस है, लेकिन टीम इंडिया खैरियत में नहीं है, बिल्कुल भी खैरियत में नहीं है, तो काफी क्लूलेस नजर आया इंडिया, बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, रेपुटेशन 12 साल जो मेहनत करके रिकॉर्ड मेंटेन किया है, 18 सीरीज घर में मुसलसल जीतने का वो रिकॉर्ड भी स्टेक पे लगा हुआ है, घर में इस साल 2 मैच हार गए हैं, इस साल से पीछे चले जाएं 11 सालों में 3 मैच हारे, और अगर ये वाला जो मैच है जो जिस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है तो फिर कहाँ 11 साल में 3 मैच और कहाँ 1 साल में 3 मैच, तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी वो भी आपके सामने है, उसका फाइनल भी स्टेक पे लगा हुआ है, तो ये जिस तरह की परफॉर्मेंस है काफ़ी बुरी नाकिस किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। तो न्यूजीलैंड ने बहुत ज़्यादा गेम में अपना एडवांटेज हासिल कर लिया, एंड दे आर लुकिंग वेरी वेरी सॉलिड। अब
बीच में कुछ तो गेंदें अच्छी हुई हैं लेकिन कुछ रबिश शॉट्स हैं ज्यादा, जिसकी वजह से इतने क्लस्टर में विकेट गिरी है वन आफ्टर अनदर। तो सैटर्न ने उसका 28 मैच हो गए हैं सैटर्न के, जिंदगी में कभी उसने 3 विकेट नहीं ली, 3 से ज्यादा विकेट नहीं ली। तो ऐसा नहीं है कि ये इस तरह के बहुत ही अनप्लेएबल किस्म के स्पिनर हैं, वो तो सिर्फ अगर बॉलिंग हो फिलिप्स की तो उसको तो शायद टीम में भी ना डालें, उसके बैटिंग में लालच में थोड़ा डाल लेते हैं, वो भी आउट कर रहा है दूसरा, जिससे उम्मीद है जस पटेल करेगा उसका तो चलो ठीक है, उन्हें सैटनर सही आउट हो जाने। पाकिस्तान का बुरा हाल है, उस टीवी पे देखो भारत का बुरा हाल है, कहने को कहा जाता है कि जो घोड़े होते हैं वो स्पिनर्स को खेल नहीं सकते, बिल्कुल स्पिनर्स को नहीं खेल सकते, लेकिन कोई ये भी तो बताए घोड़ों के पास भी स्पिनर्स हैं जो हमारे एशियन बल्लेबाज नहीं खेल सकते। यहाँ पे 7 आउट हो गए पाकिस्तान के 177 के ऊपर, वहां पे इंडिया पूरी की पूरी 156 के ऊपर ऑल आउट हो गई है। रीजन इंग्लिश स्पिनर्स और न्यूजीलैंड के स्पिनर्स, एक तरफ न्यूजीलैंड के स्पिनर्स मिचेल सैटनर ने 7 विकेट्स ले ली, दूसरी तरफ रेहान अहमद, जैक ली, शुएब बशीर पाकिस्तान को पड़े हुए हैं। ये हो तो हो क्या रहा है, हमने तो सुना था बचपन से एक ही चीज कि घोड़े स्पिन को नहीं खेल सकते, भला कोई ये तो बताए कि घोड़ों के पास अच्छे स्पिनर्स भी है जो हमारे एशियन बल्लेबाज नहीं खेल सकते। वो देखो तो सही स्पिन विकेट बनानी है, कहने को कहा जाता था कि जो एशियन बल्लेबाज होते हैं वो स्पिन के बड़े अच्छे प्लेयर्स होते हैं, बड़े शानदार किस्म के प्लेयर्स होते हैं, लेकिन यहां पे लग रहा है कि घोड़े हमसे अच्छी स्पिनर को खेल रहे हैं और हम बुरा खेल रहे हैं। यार आपके सामने है पाकिस्तान का हाल, देखो 267 पे आउट करने का क्या फायदा हुआ जब आप 177 के ऊपर 7 आउट हो गए। पाकिस्तानी टीम पेसर्स के अगेंस्ट भी डर डर के खेलती है, पाकिस्तानी टीम स्पिनर के अगेंस्ट भी डर डर के खेलती है, पकड़ के स्पिनर के हाथों आउट हो रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडिया को आप देखो, इंडिया की टीम जिसको कहते हैं 7 विकेट्स लेके सैटनर, इसी मैच के अंदर 7 विकेट्स वाशिंगटन सुंदर ने भी ली थी, अब सैटनर लेके चला गया। ये मैच हो तो हो क्या रहे हैं, मुझे तो लगता है कि कल ही दोनों मैचेस के फैसले आ जाने हैं। तो दोस्तों ये था कुछ पाकिस्तानी रिएक्शन, इस पर आपका क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।